शरीकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करे इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की। जोहार, नमस्कार। कानून की बात, कानून की बात में लगातार हम आपके साथ विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के बारे में बातचीत करते हैं और उनसे जुड़े मुद्दों को हम आपको समझाते हैं कि कैसे जहां भी आपको लगता है कि अब आगे आप न्याय पाने के लिए नहीं बढ़ सकते हैं, उसके बाद भी क्या क्या रास्ते हैं न्याय पाने के लिए आगे बढ़ने में और कौन कौन उसमें आपकी मदद करेंगे। मदद करने वाली सारी संस्थाएं जुडिशियरी से जुड़ी हुई हैं, जुडिशियरी की ही विंग हैं, उन्हीं की शाखाएं हैं जो आपको मदद करती हैं। तो इस मामले में कुछ अस्थाई तौर पर प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे मीडिएशन के मामले में प्री मीडिएशन सालों भर चलता रहता है, मीडिएशन सालों भर चलता रहता है, अस्थाई लोक अदालत सालों भर हर रोज चलता रहता है जो वर्किंग डे है, उसमें लोगों को न्याय देने दिलाने का काम, जागरूकता का काम, ये सारा कुछ चलता रहता है। इस प्रोसेस में जो विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं में कोर्ट में मुकदमे लड़ करके दुश्मनी कायम करना और उस दुश्मनी को फिर से खत्म कर देना, यानी मन का मिलन पखवारा मना करके लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जितना ज़्यादा आप मेडिएशन में जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी दुश्मनागत कम होगी और दोनों फायदे में रहेंगे। लड़ते लड़ते घर बिक जाता है, जानवर बिक जाते हैं, जमीन बिक जाता है, अपने भी बिक जाते हैं कई सारे मामलों में, फिल्मों में तो अक्सर ये देखा जाता है। वैसी स्थिति में हर बार हर हफ्ते अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञ के साथ बैठ करके हम आपको संदेश देने की कोशिश करते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त की गई सुविधाएं क्या क्या हैं। आज हम बात करेंगे जो विधिक सेवा प्राधिकार मन का मिलन पखवाड़ा चला रहा है वो क्या है। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में इस वक्त पीके सिन्हा साहब, जो रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, मौजूद हैं, मेडिएटर भी हैं। स्वागत है आपका, नमस्कार। सिन्हा साहब, ये हम जानना चाहते हैं कि ये जो टर्म है मन का मिलन पखवारा, ये टर्म क्या है? अगर हम लोगों को बताना चाहें, आप तो बता रहे हैं अलग अलग स्टेट के जो सेंटर्स हैं उस सेंटर्स में है क्या ये? ये देखिए, मन का मिलन पखवाड़ा अभी डालसा या झालसा के द्वारा पूरे झारखंड राज्य में 29 जून से लेकर 29 मई से लेकर 14 जून तक मनाया जा रहा है जी, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इनके द्वारा जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाना, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको जानकार बनावें क्या क्या हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और किस तरह से आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। इसके तहत ये रखा गया है। अभी चूंकि न्यायालय सुबह का चल रहा है, यानी 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो ये 7 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक आप सभी मेडिएटर्स या पुलिस पदाधिकारी या सचिव सेवा पदाधिकारी के जो होते हैं उनसे आप मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, उनसे आप सुझाव ले सकते हैं और आपको ये सुझाव सभी निःशुल्क है। अभी हम लोग जिस पर बात कर रहे हैं, अगर हम अपने दर्शकों को संदेश देना चाहें
तो विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त की गई सुविधाओं में क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे कि वो लाभ उठा सकते हैं? विधिक सेवा प्राधिकार के पास बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं हमेशा। जैसे पहला तो आप ये समझ लें कि गरीबों के लिए जी, तो गरीबों के लिए जैसे आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप मुकदमा दायर कर सकें, तो आप एक आवेदन दें या आपके खिलाफ जो मुकदमा हुआ है उस मुकदमे को फेस कर सकें। हाँ, उसमें भी आप एक आवेदन दें सचिव के यहाँ न्यायालय में कि ऐसी ऐसी बातें हैं, ये मेरे ऊपर केस है या हमें केस करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सरकारी खर्चे पर वकील या अन्य सुविधाएं दी जाएं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाती हैं, जैसे केस करने के लिए या केस लड़ने के लिए वकील आपको मुहैया कराया जाएगा। इसी तरह से जितने भी कागजात आपको निकालने हैं, जरूरत है, सभी कागजातों को निकालने में भी विधिक सेवा प्राधिकार आपकी मदद करता है, वो भी निःशुल्क, कोई इसके शुल्क नहीं लगते हैं। इसी तरह से जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को तो किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, आप सिंपल एक आवेदन देंगे, आपको सभी जो भी आप मांग रहे हैं वो सुविधाएं दे दी जाएंगी। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उन्हें भी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अन्य जाति से हैं चाहे ये, उन पर एक बंदिश है इनकम सर्टिफिकेट के लिए कि आपका 1 लाख या कुछ जो भी है उससे ऊपर की आमदनी नहीं होनी चाहिए, तब आपको मिलेगा जो भी सेवा जो है विधिक सेवा प्राधिकार का, वो सभी सेवाएं आपको निःशुल्क दी जाएंगी। इसमें दो पार्ट में करके अगर हम लोग बात करें तो एक पार्ट ये हुआ कि खास श्रेणी में जो आपने बताया SC हैं, ST हैं, महिला हैं, विकलांग हैं या जिनकी आमदनी 3 लाख से कम है, इस तरह की श्रेणी में जो लोग हैं वो अगर मुकदमा दायर करते हैं बिन मांगे भी इस कैटेगरी में होने की वजह से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिल जाती हैं, या उनको मांगना पड़ेगा कि हम इस कैटेगरी में आते हैं इसलिए हमको ये सारी सुविधाएं दी जाए, नंबर वन। नंबर टू, इस श्रेणी के जो लोग हैं उनके एडवोकेट से लेकर के स्टाम्प ड्यूटी या कोर्ट के जो भी खर्च होते हैं वो खर्च उनको मांगना पड़ेगा, उस मांगने के लिए कहीं जाना पड़ेगा, वो कहाँ जाना पड़ेगा, उसके प्रोसेस क्या है और कितना समय लगता है, कौन कौन स्टॉक होल्डर है जहाँ उसको मिलना पड़ेगा, मिलकर के चीज़ों को समझना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए आप जो भी वादी चाहे प्रतिवादी जो भी हों उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपल एक आवेदन विधिक सेवा प्राधिकार के जो सचिव महोदय हैं उनके यहाँ आप देंगे, वो अलॉट कर देंगे वकील। मान लीजिए आपको केस करना है तो एक अधिवक्ता जो भी उनके पैनल में है उनसे उनको दे दिया जाएगा, आपको उनसे मिला दिया जाएगा, वो आपको सभी जानकारी देंगे। अब उनकी जिम्मेवारी है पूरे कार्यों को निष्पादित करना, जिसका देखरेख सचिव महोदय करते रहेंगे बीच बीच में, यानी कहाँ कोर्ट फी लगना है, क्या करना है, कौन सा कागजात निकालना है, क्या करने, सभी जिम्मेवारी उनकी है, वो आवेदन देते जाएंगे, काम होता जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो वादी तो हम कैसे मॉनिटर करेंगे कि हमारे मुकदमे में क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा प्रगति, तो हम कहाँ नहीं कैसे तो करेंगे? वादी या प्रतिवादी अपने जो भी वकील उनको प्रदत्त किया गया है उनसे वो मुलाकात करते रहेंगे, वो उनको बताते रहेंगे कि आपका ये हो गया ये हो गया, जरूरत पड़े तो आप सचिव महोदय से भी पूछ सकते हैं। अगर वादी या प्रतिवादी जो भी इस श्रेणी में आते हैं जहां कि उनको निःशुल्क सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको यह लगता है कि वकील साहब जो पैनल लेयर हैं वो हमको ठीक से ब्रीफ नहीं कर रहे हैं या हमारे मुकदमे को ठीक से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं, वैसी स्थिति में उनको क्या करना है? ऐसी स्थिति में कि हम
एज ए स्टॉक होल्डर हमको यह फील होना चाहिए कि न्याय की प्रक्रिया में न्याय मिलने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं पर देख रहे हैं हम कि हमको फील हो रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो जिनको हमारे लिए दिया गया उनसे बात करेंगे तो लड़ाई करने लगेंगे, डांट के भगा देंगे। तो ऐसी स्थिति में हमको दूसरी सुविधा क्या मिल सकती है और कैसी चीजों को ले जा सकते हैं? आपको अगर लग रहा है कि आपके काम नहीं ठीक तरह से हो रहे हैं तो आप सचिव महोदय से ही मिलें, उनको आवेदन दें, वो आपका जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका निराकरण करेंगे। ये सभी प्रावधान सचिव के पास ही है। नहीं, जैसे कि विधिक सेवा प्राधिकार अगर मान लीजिए उनको वकील हटाना है, वकील से वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उनके जगह दूसरे पैनल के दूसरे लॉयर को दिया जाएगा। और मान लीजिए कुछ में विलम्ब हो रही है, क्यों विलम्ब हो रही है, ये सचिव महोदय वहां से अपने को कोऑर्डिनेट करेंगे और जल्द से जल्द काम, जैसे मान लीजिए कागजात निकलने में देरी हो रही, क्यों हो रही है, तो वो कोऑर्डिनेट करेंगे कि जिससे वो जल्दी निकल जाए। वो सभी अधिकार जो है सचिव महोदय के पास है। तो मन का मिलन पखवाड़ा रखने के पीछे क्या है? मन का मिलन पखवाड़ा इसलिए रखा गया है कि इस अवधि में यानी 29 मई से लेकर 14 जून तक आप जो भी साधारण पब्लिक हैं उन्हें जो भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का जितने भी सेवाएं हैं सभी से आपको परिचय कराया जा सके, और इसी संदर्भ में आप में जागरूकता भी लाया जा सके जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी सेवा ले सकें। ये ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में ही आवें, आप चाहें तो वर्चुअल भी आप कर सकते हैं। जो आधारभूत संरचनाएं विधिक सेवा प्राधिकार की हैं उसमें जो सबसे निचले स्तर पर लोग हैं जिनको पैरालीगल वॉलंटियर कहते हैं, उनको तो विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाली तमाम सुविधाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, होंगी ऐसा माना जाए? जी जी जी, ऐसा माना जाना चाहिए कि जो थाने में दफ्तर हैं विधिक सेवा प्राधिकार के, रिम्स में, ग्रीन पास में, सीआईपी में, ऐसी जगह पर जो दफ्तर हैं वहां जो बैठते हैं उनको तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए? जी। एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही सराहनीय सेवा प्रदत्त की गई है कि वो लोग जो बस का खर्च, ट्रेन का खर्च, टैक्सी का खर्च नहीं उठा सकते, वैसे लोगों को कंप्लेन अगर वो चाहें तो भाया पोस्टमैन डाकिया के माध्यम से भी कर सकते हैं। जी, डाकिया के माध्यम से कर सकते हैं। डाकिया के यहाँ एक ऐप बना दिया गया। जी, तो जो डाकिया जाता है गांव में उन लोगों को वो बताता है कि नहीं बताता है? जी, यह बात भाया जो लीगल पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनसे मॉनिटर कराना। जी, कितने केसेज आए, केसेज आ क्यों नहीं रहे हमारे पास? तो जो आधारभूत संरचना विकास विधिक सेवा प्राधिकारों की है जिला स्तर से लेकर के स्टेट तक, वो कैसे मॉनिटर कर पाते हैं, और नहीं आता है तो क्या होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स तो एक काम करते हैं कि अगर आपको सफिशियंट शरीर में विटामिन्स नहीं है तो सप्लीमेंट देते हैं। जी, ये खाइए, ये जोड़िए, उसमें ये प्लस कीजिए, तो उससे हेल्थ ठीक होता है। तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया विधिक सेवा प्राधिकार बनाया, उसके लिए सेवाएं बनाई अलग अलग, सबसे निचले स्तर पहुंचने के लिए बेस्ट टेक्निक डाकिया चुना गया। जी, एक तो डाकिया के पास बहुत सारे काम हो गए हैं, अब बैंकिंग का काम भी डाकिया को हो गया है। जी, तो डाकिया के पास समय कितना है कि डाकिया इस काम को भी उसके अलावा कर सकेगा? डाकिया को जो फैसिलिटीज मिलती है डाक विभाग से वो इतनी कम है कि गर्मी हो या जाड़ा हो, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे डाकिया जरूर आता है, डाकिया रोज आता है, तो डाकिया रोज तो आएगा चिट्ठियां और संदेश पहुंचाने के लिए, इतने सारे काम के लिए अगर वो समय देने लगे वो कहां से कर पाएगा? उसको भाया पैरालीगल वॉलंटियर कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, आगे चीजें बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? जैसे मन का मिलन पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया, जी, इससे कितना स्टेप हम आगे बढ़े?
हमारे जो पीएलबीज हैं उससे कितना स्टेप आगे बढ़े। डाकिया वाले में 100 केस आया क्या महीने में? केस नहीं आ रहा है, इसका मतलब केस नहीं है। एक तो सबसे बढ़िया मान्यता यही है, केस नहीं है इसलिए केस नहीं आ रहा, जबकि कई तरह केस हैं। आपने मैंने विधिक सेवा प्राधिकार ने 10 से 15 स्कीम्स जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स है उसका जिम्मा ले रखा है जी। उसमें भी अगर आपको कंप्लेन है तब भी आप आ सकते हैं हमारे पास। हाँ हाँ। तो हम ये जानते हैं गांव में किस तरह के मामले और कैसे चलते हैं, मुखिया जी जो चाहें वैसे ही चलता है। हाँ, तो वैसी स्थिति में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मनका मिलन पखवाड़ा जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसके अलावा जो अन्य दिनों में जागरूकता के काम होते हैं मॉनिटर कैसे होता है, कैसे मॉनिटर किया जाना चाहिए? और अगर कोई गांव के स्तर पर रिमोट स्तर पर, हम जिस एरा में हैं उस एरा में हर कोई बहुत बात करता है, हर समय बात करता है, कोई किसी की सुनता नहीं है, इसीलिए लगभग हर जगह लिखा हुआ है ढेर सारा गवर्नमेंट का ये स्कीम से गवर्नमेंट ये चला रही है, पढ़ता नहीं है। वहां जाके पूछता है यहां पर क्या मिलेगा जी, कौन देगा जी। एक तो इलिटरेसी भी है, कम्युनिकेशन कि वो कम्युनिकेट हो सके, फिल्म में सबसे अच्छी माध्यम है कम्युनिकेट करने का, हम जहां बैठे इससे बेहतर माध्यम क्या हो सकता है, कम्युनिकेट हो चीजें। तो कम्युनिकेट करने के लिए इस पखवाड़े में कुछ विशेष आयोजन है क्या कि कुछ इस तरह के लोग आए जो बताएं और देखें कि वो रिसीव कर रहे हैं? कम्युनिकेशन का मतलब तो यही ना है कि हम अगर सिन्हा साहब को कुछ कह रहे हैं तो सिन्हा साहब हमारी बात सुनकर के उत्तर दे रहे हैं या ऐसे ही दे रहे हैं? हम कह रहे हैं मन का मिलन पखवाड़ा हो, किसी और चीज पर जवाब दे रहे हैं कि विधि सेवा? इसके लिए इसीलिए ये बनाया गया है कि 7 बजे जो सवेरे से लेकर 12 बजे तक जो कोर्ट आवर है, आप पुलिस पदाधिकारी यानी SP महोदय या किसी भी मीडिएटर या सचिव महोदय से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। जहां आपको मिल नहीं सकते हैं, आप यहां आवे, आपको किनसे मिलना है आपको मिला दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है आप डायरेक्ट उनसे मिलकर दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। माने पुलिस पदाधिकारी उपलब्ध हैं 7 बजे से लेकर 12 बजे तक DLSA प्रीमाइसेस में आपसे मिलने के लिए, और मीडिएटर्स तो हैं ही, सचिव महोदय भी हैं, और अगर आपको कोई अन्य प्रॉब्लम्स है तो उस पर भी इसमें सुनवाई होगी। एक तो है जो नागरिक सुविधाएं हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में गवर्नमेंट ने कई बार पिछले 20 सालों में झारखंड की कई सरकारों ने घोषणा की कि नागरिक सुविधाओं में जो चीजें हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, फलाना ढिकाना, ये इतना दिन में मिल जाना चाहिए, मिलता उलता कहीं नहीं है। उस नहीं मिलने के बारे में जानता नहीं है कहां जाए नहीं जाए जी। जो सेवा सुविधा है उस सेवा सुविधा के बारे में लोक अदालतों से बहुत आसानी से चीजों को अपनी बात कह करके वहां से चीजें हासिल की जाती, वो लोग नहीं जानते हैं वहां कैसे ले जाया जाए। इसके अतिरिक्त जो हम समझना चाह रहे हैं वो समझना ये चाह रहे हैं कि हम जो भी पखवाड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पखवाड़ा ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ जो भी संसाधन है उस संसाधन से हम कम्युनिकेट कितना कर पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करना, उनकी भाषा में उनकी बोली में बात करना, उनकी तरह से बात करना ताकि वो रिसीव कर सके, हमको रिसीव करके उनका प्रत्युत्तर क्या आ रहा है नहीं जी। वो मॉनिटर करने की नागरिक सुविधाओं के बारे में या हमने जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में लिया है उसमें हमारे पास कितने मामले आए। एक तो उपाय यह है कि हम मान लें कि हमारा काम था जागरूकता करना, हमने कर दिया, गवर्नमेंट का काम है स्कीम चलाना, गवर्नमेंट चला रही है, अब लोग नहीं आ रहे तो गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा यह है कि सचमुच में मॉनिटर करना कि हाँ क्या हो रहा है। भैया PLVs बहुत आसान हो सकता है, नहीं होती है आप सभी। एक हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और जानना भी चाहेंगे, आप जब डिस्ट्रिक्ट जज थे तो उस समय आप कैसे चीजों को मॉनिटर करते थे, क्योंकि DLSA के चेयरमैन भी डिस्ट्रिक्ट जज ही होते हैं, तो कैसे चीजें आपने मॉनिटर किया? नहीं, जैसे मान लीजिए PLV अपॉइंट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हर एक ब्लॉक स्तर पर भी हमारे PLVs रखे जाते हैं, सभी जिस भी जिला के में, मान लीजिए एक जिला में 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक में आपके PLV हैं, सदर अस्पताल में PLVs हैं,
मेन मेन थाना में ही में भी पीएलवी रखे जाते हैं, कलेक्ट्रेट में भी रखे जाते हैं, सीपीडब्ल्यू जो है उसमें भी रखे जाते हैं। इसलिए रखा जाता है वहाँ कि वो लोग किन्हीं को, अगर आप आए हैं वहाँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको वो मदद करेगा कि जल्द से जल्द आपको सेवा प्राप्त कैसे करना है वो बता देगा, ले भी जाएगा। आप आवेदन नहीं लिखने आता है तो वो आवेदन भी लिख देगा, सभी कुछ कर देगा, मॉनिटर कर देगा। आवेदन जो लेगा उस आवेदन को रजिस्टर करेगा, रजिस्टर करके हमारे यहाँ सचिव के यहाँ भेजेगा कि इस तरह का आवेदन आया है, वो अपने स्तर से करेगा। यहाँ से सचिव महोदय फिर उसको मॉनिटर करते रहेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस है। तो वो जब वो एक हफ्ता दो हफ्ता पर जब भी कोर्ट आता है तो उसका रिपोर्ट लेकर के आता है कि इसमें हुआ या नहीं हुआ या क्या अड़चनें आ रही हैं, तो वो सचिव लेवल में जो हमारी मीटिंग होती है पुलिस पदाधिकारीगण से चाहे कलेक्टर साहब से, तो उसमें इसको रखा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि कितने दिन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैसी जानकारियां उन लोगों को दी जाती है। और जो भी नए नए स्कीम हैं वो सभी की जानकारी आपको जो भी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं वहाँ सभी की जानकारी दी जाती है। और वो भी सभी सेंटर जो हैं अच्छे तरह से अभी लैस हैं, यानी कि कंप्यूटर की व्यवस्था है, टीवी हैं, सभी कुछ है, चार या पांच लॉयर्स वहाँ मौजूद रहते हैं जो कि आपको किसी तरह का सेवा दे मांगना है, पीजी को जानकारी लेनी है तो वो देते हैं। बीच बीच में जुडिशल अफसर्स भी वहाँ जाते हैं, उनका रोटेशन बनता है, वो सभी सेंटर्स में विजिट करते हैं, जिनको जो भी प्रॉब्लम्स है उससे वाकिफ होते हैं, फिर उस पर जो सचिव महोदय को जानकारी दी जाती है उसके आधार पर सचिव महोदय अपनी आगे के काम करते हैं। जिससे कि एक और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है विक्टिम कंपनसेशन का मामला। यस, विक्टिम कंपनसेशन में जो मामले हैं वो मामले हमारे पास एक तो सुओ मोटो बहुत सारे केसेस में डीएलएससी और झालसा दोनों ले लेता है, कभी कभी हाईकोर्ट खुद ले लेता है, हाईकोर्ट खुद मॉनिटर करता है, उन तरह के केसेस हमारे पास कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और वो लोग कैसे आए। एक तो थाना माध्यम हो सकता है जहां की सबका आना जाना है, पंचायतें माध्यम हो सकती हैं, पीएलवी सबसे ज्यादा बड़े माध्यम हो सकते हैं कि विक्टिम अगर कोई है उसको कंपनसेशन की जरूरत है, उनको मिलना चाहिए, राइट है उसका, तो वो चीज है। विक्टिम कंपनसेशन जो भी अभी आ रहे हैं चाहे माननीय उच्च न्यायालय से या जो कोर्ट्स के द्वारा जो ऑर्डर्स होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें विलम्ब नहीं होते हैं, इसलिए कि उसका एक अलग राशि आवंटित है, इसलिए उसमें विलम्ब नहीं होते, वो आपको तुरंत मिल जाते हैं। कानून की बात में हमने आज आपको यह बताने की कोशिश की है, हमारे एक्सपर्ट्स ने बताने की कोशिश की है कि एक खास श्रेणी जो है आधी आबादी महिलाओं की, उसके अलावा हर श्रेणी के एससी एसटी विकलांग, ये लोग अधिकृत हैं कि बगैर पैसे दिए, बगैर कोई पैसा खर्च किए न्याय पाने के लिए, न्याय लेने के लिए वो अपना न्यायालय में जा सकते हैं, विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं, उनको न्याय दिलाने में विधिक सेवा प्राधिकार मदद करेगा, केस लड़ने में और केस लड़ाने में दोनों स्थिति में, अगर वो चाहते हैं कि हम केस लड़ें हमको नहीं मिल रहा है, वादी हों या प्रतिवादी हों। कहां कहां से जानकारी मिल सकती यह भी हमने बताया, लेकिन हमारे बताने से यह होता है कि कुएं में अगर पानी है तो लोटा तो डालना पड़ेगा, बाल्टी तो डालना पड़ेगा, पानी तो आपको खींचना पड़ेगा, पीना तो आपको पड़ेगा ही, जितनी सारी सुविधाएं दे दी जाए, खाना बना के दिया जाए तो कौर आपको हाथ से उठा के डालना पड़ेगा, आप कौर उठाइए डालिए पानी निकालिए पीजिए। इस उम्मीद और कामना के साथ कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।